हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एज ए नर्सिंग स्टूडेंट किस तरह का की बैड हैबिट्स से आपको बचना है, किस तरह का बैड हैबिट्स आपको अवॉइड करना है जो आपको बहुत ही हार्म पहुंचा सकती है, बहुत ही आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। किस तरह का बैड हैबिट्स, उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल बताऊंगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कह रहा था, बैड हैबिट्स यानी कि स्मोकिंग हो सकता है और ड्रिंकिंग हो सकता है या फिर कुछ भी बैड हैबिट्स हो सकता है। जब अपना जो हैबिट है जो हद से ज़्यादा हो जाता है, जब वो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, वो बैड हैबिट बन जाता है। आजकल की दुनिया में तो हर किसी का, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, एक हैबिट तो कॉमन है जो बैड हैबिट है, सबको पता है बट कोई छोड़ नहीं सकता, वो है मोबाइल। मेरा भी बहुत बैड हैबिट है, मैं अभी छोड़ नहीं सकता, पता नहीं क्यों, लाख कोशिश कर लो कोई छोड़ नहीं सकता। तो ये सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए नर्स आपको किस तरह का बैड हैबिट्स नहीं रखना है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। स्मोकिंग से आपका जो लंग्स है वो जल सकता है, जलता है, आपका हार्ट ब्लॉक होता है। जो निकोटीन होता है स्मोकिंग के द्वारा आपके अंदर जाता है, वो हार्ट ब्लॉक करने में सहायता करता है, आपको मारने में सहायता करता है। अगर आप चाहते हो जल्दी जल्दी मर जाओ तो स्मोकिंग करो, बिंदास करो, कोई बात ही नहीं। और ड्रिंकिंग से अपना जो किडनी है ना, दोनों साइड में दो किडनी, वो खराब होता है, सड़ जाता है एकदम। अगर आप चाहते हो कि अपना जो किडनी है वो कुछ, हम लोग तो मर जाएंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग तो मर जाएंगे, एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो ऐश करके मरे। अरे यार, इतना तो समझ लो, आपके ऐश के चक्कर में कितना लोग मर रहा है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो तो एक्टिव स्मोकिंग हो गया, जो लोगों का पैसिव स्मोकिंग हो रहा है, आपके पास जो खड़ा होके वो धुआं अपने नाक के अंदर सूंघ रहा है, जब इनहेल कर रहा है वो, उसका अंदर भी वो निकोटिन जा रहा है, ये तो समझो। आपके लिए दूसरों क्यों मरे? अगर आप चाहते हो मरना तो जैसे भी करके मर जाओ, कोई बात नहीं। मरना चाहते हो तो ये तो छोड़ो, मरने की बात ही छोड़ो। अगर आप नर्सिंग में आए हो तो आपको क्या समझना है कि मैं पहले स्वस्थ रहूं, मैं हेल्दी रहूं, तभी दूसरों को हेल्दी रख पाऊंगा। अगर आप नहीं हेल्दी रहोगे तो दूसरों को कैसे हेल्दी रखोगे यार? एज ए नर्स अगर आप स्मोक करके उसके बाद पेशेंट को ट्रीट करने गए तो वहां पे क्या होगा, आपके मुंह से या फिर कहीं से भी वो जो बदबू आएगा, स्मेल आएगा, बैड स्मेल आएगा स्मोकिंग का, उससे जो एक पेशेंट है और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। आप मानो, अगर एक बाप अपने बेटे के सामने गाली देता है, लोगों को मारता है, अपने दोस्तों के साथ जैसे भी करके गाली गलौज करता है, तो बेटा क्या सीखेगा, मेरे को भी ऐसा गाली देना चाहिए, ये तो पापा करता है। तो आप एक नर्स होकर ऐसा काम करोगे तो पेशेंट्स क्या सीखेंगे? अरे भाई, नर्स डॉक्टर भी ये स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, मेरे को क्या? अगर वो लोग स्वस्थ रह सकते हैं तो अपन लोग क्यों नहीं स्वस्थ रख सकते? तो भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ आप लोगों से, अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो या फिर जितने तरह की ये जो बैड हैबिट्स है, जो हमारा जो ऑर्गेन है, बॉडी ऑर्गेन है, बॉडी पार्ट्स है, उसको हानि पहुंचा सकती है, वो छोड़ने की कोशिश करो यार, छोड़ने की कोशिश करो। ये ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ से बढ़कर है, ये हमारे लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है यार। अगर आप जिंदा रहोगे तभी आपको मजा आएगा जिंदगी जीने में, तभी आप दूसरों को स्वस्थ रख सकते हो, दूसरों को हंसा सकते हो, दूसरों के साथ बात कर सकते हो, अपना फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, वरना कुछ नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये बैड हैबिट्स के अंदर है, फंस चुके हैं, निकलने का नाम ही नहीं कर रहे हैं। अगर इन लोगों को बोलने जाओ तो मेरा बाप का पैसा है मैं खा रहा हूँ, तेरे को क्या? अरे भाई, तेरा बाप का पैसा है तो तू खाना, तेरे वजह से हम लोग क्यों मरे, ये तो सोचो। अगर आपका बाप के पैसे में इतना ही घमंड है, आपके बाप के पैसों से आप खा रहे हो ये सब बैड हैबिट्स, ये स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो आपका बाप का ही यहाँ पे ज्यादा नुकसान होगा यार। आपका कुछ हो गया तो आपका बाप का क्या होगा, एक बात सोचो ये।
बस भाई इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, इतना ही बोलना है एज ए नर्सिंग स्टूडेंट जितना दूर हो सकता हो इस बैड हैबिट से दूर रहो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपके मम्मी पापा के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, ये मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ आपसे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कोई दिल पे मत लेना ये जो मैं बात कही, एक बार ठंडे दिमाग के सोच से देखना, आपको पता चलेगा क्या है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।